हॉस्पिटल है। अभी तक त्रिपुरा में कोई पॉजिटिव केस नहीं आई है। तब भी एक बार आज जो विशेष करके मेरे आने का जो विषय है ये है पॉजिटिव केस मिलने के बाद क्या स्थिति होगी, इसका एक मॉक ड्रिल करके हम लोगों ने उसको देखा। जो ऐसा हो जो पॉजिटिव मिल गया तो उसके बाद क्या क्या होगा, कैसे होगी, तो एक पेशेंट तैयार करके हमने इसको देखा। सभी डॉक्टर लोगों ने इसको किस तरीके से इनको अटेंड करना पड़ता है, किस तरीके से उनको अलग अलग सुविधा देना पड़ता है, उसका एक प्रैक्टिस हुआ है। और जो तैयारी है यहाँ जीबी हॉस्पिटल का एक ब्लॉक उन्होंने क्लोज करके 20 सीट के साथ, इसमें आईसीयू बेड भी है और बाकी सब डॉक्टर लोग 7 दिन तक रह के पॉजिटिव हो जाए तो घर नहीं जाना तो वहाँ रहेगा, तो वहाँ उनको रहने का बंदोबस्त डॉक्टर हो, नर्सेस हो, बॉय वार्ड बॉय हो, सबका ऐसा टीम बना हुआ है। वो टीम अलग अलग 7 दिन के बाद चेंज होगी और 7 दिन के बाद इन लोगों को दोबारा क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव के साथ काम किया है, इनके ऊपर कोई असर हुआ क्या नहीं, इनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं वायरस चला गया, तो वो भी क्वारंटीन में जाना है, तो दूसरा टीम आएगा। इस तरीके से जीबी हॉस्पिटल में ये व्यवस्था किया हुआ है और साथ ही साथ बीएम हॉस्पिटल में भी हम लोग कुछ 50 बेड के आसपास व्यवस्था कर रहे हैं और बाकी सब हर डिस्ट्रिक्ट में 50 बेड इस तरीके से हम लोगों ने व्यवस्था किया है। मैं आशा करता हूँ हमारे पास जो साधन है, जो व्यवस्था है, इसको सुचारू रूप से सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस, सभी हेल्थ के स्टाफ, हेल्थ सेक्रेटरी एंड अदर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सब मिल के प्रधानमंत्री जी का जो पूरे देशवासियों के प्रति जो आवेदन है उसको मानेंगे। और मैं बोलूँगा सबसे अब तक त्रिपुरा के सबसे पॉजिटिव दिख ये है, कोई पॉजिटिव यहाँ कोरोना वायरस के पेशेंट नहीं मिली है। ज़रूर हम लोगों को सावधानी से रहना चाहिए, इससे खुश होकर घर में नहीं बैठना, बाज़ार में भीड़ नहीं करा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना छोड़ देंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास करीमगंज तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केस मिली है, 16 मिले गए आसपास ही है, मणिपुर में 19 मिली है, तो इसलिए त्रिपुरा बॉर्डर तो हमने सील करके रखा। साथ ही साथ हमारे पूरे त्रिपुरावासी अपने घर के इर्द गिर्द को सील करके रखे, वो सबसे बड़ी बात है, ये सब हम कर पाएंगे, तो मैं आशा करता हूँ त्रिपुरा कोरोना से मुक्त रहे। सर, पीएम सर से आज आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो व्हाट वाज द मेन थिंग जो उन्होंने, हाउ डू यू फील, मॉरली कितना बूस्ट हुआ? देखिए, पीएम साहब ने जो इनिशिएटिव लिया उसके कारण से सभी मुख्यमंत्री, मैंने देखा चाहे बिहार का मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, चाहे केरला का मुख्यमंत्री हो, ये मैं खुद भी पहली बार देखा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ऐसा एहसास कर रहे हैं, बाकी सब मुख्यमंत्री भी ऐसा एहसास कर रहे हैं, पहली बार देश में ऐसा हुआ सभी मुख्यमंत्रीगण एक सुर में बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको हर कदम में हर मुख्यमंत्री मान रहे हैं। आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने केरला के मुख्यमंत्री का तारीफ किया है, जो केरला में दिखाई दिया जो पॉजिटिव केस तो है किंतु मृत्यु की संख्या 1 है, तो वो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था उसका है। तो ऐसे बहुत सारी मध्य प्रदेश में सडनली इंदौर में मिली थी पॉजिटिव केस को, किंतु उसको डेथ केस कितना है, 1 है, उसको कंट्रोल कर लेना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसे आज बोल रहा था, तो इन्होंने प्राइवेट लैब में और सरकारी लैब में दोनों में टेस्टिंग किया, तो दोनों का एक साथ रिजल्ट आने के बाद डबल सडनली दिखाई दे, तो ऐसा नहीं है, अभी वो सेग्रीगेट कर रहा है। तो महाराष्ट्र में 1.5 लाख से 2 लाख लोग जो बाहर के लोग कैंप पे रख के खिला रहा है, जो मजदूर हैं, और सभी मुख्यमंत्री अपील कर रहा है जो जो जहाँ रहे हैं उसके उस स्टेट के उस जगह के बाहर ना जाए, क्योंकि 63 डिस्ट्रिक्ट में ही अफेक्टेड है, पूरे भारत में नहीं है, तो उस 63 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना हमारा काम है। और साथ ही साथ उन्होंने आज अलग नया विषय रखा है, जो हमारे धार्मिक स्थल के जो प्रमुख व्यक्तिगण हैं किसी भी धर्म का हो, हम लोग भी अपील करेंगे इन लोगों से जो वो इसको अपने अपने जगह से अपील करें, जो लोग घर पे रहे और इस लॉकडाउन को माने,
और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करें। सर दिल्ली निजामुद्दीन থেকে যারা ত্রিপুরাতে এসেছিল তাদের এখন পর্যন্ত কি হয়েছিল? ত্রিপুরাতে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে এই পর্যন্ত যতগুলো টেস্ট হয়েছে 52 টেস্টের মধ্যে সবগুলো নেগেটিভ এসছে। তবু কোয়ারেন্টাইনে এদেরকে রাখা হবে 14 ডেজ, এর মধ্যে কিছু কিছু 12-13 দিন হয়ে গেছে, বাকি কিছু 8-10 দিন হয়েছে। তো এই পর্যন্ত কোনো পজিটিভ কেস নেই, তবু আবার 2 দিন পর সেকেন্ড টাইম টেস্টিং। স্যার সবাইকে কি ডিটেক্ট করা হয়েছে যারা আসছিল? হ্যাঁ সবাইকে। স্যার আপনি কি মনে করেন যে ত্রিপুরাতে সময় মতো লকডাউনের কারণে এখন পর্যন্ত করোনা শূন্য? দেখুন সময় মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে পুরো দেশে লকডাউন করেছে, বাকি কিছু কিছু স্টেট আগে পিছিয়ে পড়েছে, কিন্তু 24 তারিখে সবাই লকডাউন করে দিয়েছে। আমাদের এখানে একটা পজিটিভ দিক হতে পারে যে আমরা 13 মার্চ থেকে 144 জারি করেছি। তো 144 জারি করার পরে একটা মানসিকতা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়, 144 মানে 5 জন লোক একসঙ্গে না চলা, সেটা একটা পজিটিভ দিক হতেও পারে। আর বাকি আমি যেটা বলবো যে বাইরে থেকে ট্রান্সপোর্টেশন, বাইরে থেকে যে ইন্টারস্টেট বাসগুলো বন্ধ করা, আরও ইনিশিয়েটিভ যেগুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলোর কারণে ত্রিপুরাতে হয়তো বা। স্যার এখনো পর্যন্ত যারা অন্য রাজ্য থেকে এসে নিজেদেরকে আত্মগোপন করে রেখেছে সেই লোকদেরকে আপনি ভরসাটা দেবেন? আত্মগোপন যদি কেউ করে থাকে তো জুলুম হয়, তাতে এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট কে তহে তারপরে কানুন রয়েছে, তারপর এফআইআর করা হবে, আইনগত লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া হবে। যারাই যেখান থেকে এসেছেন কোনো ব্যাপার না, বলুন, বলে কোয়ারেন্টাইনে চলে যান, হোম কোয়ারেন্টাইনে চলে যান, না বলাটা তো জুলুম। এখন যখন সেই অ্যাক্ট লাগু আছে, যদি এই ধরনের কেউ করে থাকে তো সে মানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা দেশের বিরুদ্ধে বা রাজ্যের বিরুদ্ধে কাজ করছে, মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তাকে তো আমরা কোনো বলছি না বলে আপনি পাপ করেছেন হতেই পারে, কিন্তু সেটা বলে দেওয়া। থ্যাংক ইউ স্যার।